वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे स्टेट एग्जाम 2024 के। स्टेट का एग्जाम जो है 2024 में कब तक हो सकता है, कितने दिन है आपके पास ताकि जो है आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सको, ताकि आप अपने एग्जाम को क्लियर कर सको। तो एग्जाम जो है वो आपका कब तक हो सकता है, तैयारी के लिए आपको कितने दिन मिलेंगे, इन सारी चीजों पर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो स्टेट का एग्जाम जो है अभी सितंबर स्टार्ट हो गया है, तो अक्टूबर नवंबर में जो है आपको इसके अक्टूबर लास्ट में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। और वह दिन वन मंथ जो है वो एग्जाम जो है करवा लिया जाता है। अक्टूबर मिड या जो है मिड में आपको जो है इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और दिसंबर तक जो है इसका एग्जाम हो जाता है। तो भाई बिल्कुल जो है मेरे पास जो है एग्जाम डेट बिल्कुल एक्यूरेट आई है कि भाई इस दिन जो है आपका एग्जाम हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी है क्योंकि पूरी पूरी आपका जो है दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। ठीक है भाई, पूरी जो है कंफर्म न्यूज है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो भाई आप देख लो कि आपके पास कितना टाइम यहाँ पर बचा हुआ है, कितना टाइम बचा हुआ है वो आपको देखना है। ठीक है, कितना टाइम बचा हुआ है भाई आपके पास, टाइम है सेप्टेम्बर अक्टूबर और नवंबर। 7 दिसंबर को एग्जाम, अगर 7 दिसंबर को एग्जाम है तो भाई देख लो कितने दिन है। आज 3 तारीख हो गई है तो 27 डेज इसके 30 और 30। ठीक है, बीच में दिवाली और ये सारी चीजें भी आएंगी, तो कुल मिला के अगर मैं मोटा मोटा यहाँ पे बात करूँ तो भाई 7 दिन यहाँ पे, तो भाई 90 डेज है आपके पास। 30 और 30 60, दो चार दिन वैसे हो जाते हैं, टोटल 90 दिन है। ज्यादा समय आपके पास है नहीं कि भाई बहुत ही ज्यादा टाइम है भाई। जिन बच्चों को है कि मुझे अब की बार स्टेट का एग्जाम क्लियर करना है, मुझे चीजें जो है हर टाइम जो है वो 1-2 नंबर से रह जाता था और अब जो है मुझे इस एग्जाम को ले देके करना ही करना है, तो भाई अब सीरियस होकर चीजों को करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि भाई अगर आप नहीं करोगे तो फिर बाद में जो है टाइम तो अब जाता ही दिखेगा आपको, टाइम एकदम से जाता दिखेगा, एकदम से नोटिफिकेशन दिखेगी और एकदम से एग्जाम डेट दिखेगी। नोटिफिकेशन के साथ ही आपको एग्जाम डेट मिल जाती है। ठीक है भाई, तो भाई 3 महीने हैं आपके पास, 90 दिन है, अब इन 90 दिनों को आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, किस तरीके से करना है, क्योंकि 150 नंबर है और उन 150 नंबर में से आपको जो है 150 नंबर में से आपको जो है 90 नंबर लेने हैं, 90 नंबर लेने हैं 100 मार्क्स से जो है 100 मार्क्स की स्ट्रैटेजी बनाओ। कोई आपको यहाँ पे टॉप नहीं करना है क्योंकि ये भाई क्वालिफाइंग टेस्ट है, ये टेस्ट क्लियर होगा तभी आप आगे के जितने भी एग्जाम होंगे आप उनमें जो है फॉर्म भर पाओगे। हरियाणा में जैसे पीजीटी डीजीटी पीआरटी की वैकेंसी आती है तो आप वो तभी फॉर्म भर पाओगे जब आपके पास एस्टेट का एग्जाम होगा। ठीक है, अब एस्टेट के साथ एक अच्छी वैलिडिटी, अच्छी चीज ये कर रखी है कि एस्टेट की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम कर दी गई है। ठीक है, तो एक ये अच्छा पॉइंट आप मान सकते हो। ठीक है, तो कॉमन जो है, कॉमन हर किसी के सेम रहता है, जो कॉमन वाला पार्ट होता है हर किसी के लिए सेम होता है, बस लेवल का डिफरेंस है। जैसे पीजीटी 11th 12th के लिए तो पीजीटी का लेवल थोड़ा हार्ड रहेगा, टीजीटी का लेवल थोड़ा डाउन रहेगा और पीआरटी का थोड़ा और। ठीक है, तो जो कॉमन पार्ट है वो सबके लिए सेम होगा, बस लेवल में डिफरेंस आ जाता है। तो कॉमन पार्ट में 30 नंबर की चाइल्ड साइकोलॉजी आती है, ठीक है, सीडीपी जिसको अपन बोलते हैं, 30 मार्क्स की आती है, 15 मार्क्स की हिंदी आती है, ठीक है, और 15 मार्क्स की आपकी इंग्लिश रहेगी। तो ये आपका टोटल 60 मार्क्स का ही हो गया, 60 मार्क्स के 3 सब्जेक्ट ये हो गए। फिर आपका जो है मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जीके, 10-10 मार्क्स का ये हो गया, 30 मार्क्स आपके ये हो गए, 60 और 30 नंबर। ठीक है, टोटल आपके देखा जाए तो 6 सब्जेक्ट है, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जीके। अब जो है इस तरीके से रहेगा, 60 नंबर ऊपर और 10-10 नंबर का ये रहेगा। ठीक है भाई, तो ये आपको अच्छे से करना है। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो 60 मार्क्स का रहेगा। 60 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका कितना रहेगा वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब इन 90 दिन की स्ट्रैटेजी बना लीजिए कि कॉमन पार्ट को आपको कितना देना है, 2-3 घंटे कॉमन को देने हैं, 1-1.5-2 घंटे आपको इसमें देने, एटलीस्ट 4 घंटे की स्ट्रैटेजी बनाओ कि 4 घंटे तो मुझे जो है पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि भाई कोई भी एग्जाम हो डेडिकेटेड होके जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक चीजें नहीं होंगी। ऐसा नहीं लास्ट 1 महीने में पढ़ेंगे हो जाएगा, ठीक है, लास्ट 1 महीने में बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन में रहती है। अभी बेटर है कि अभी से ही सिलेबस को कवर करना शुरू करो, लास्ट 1 महीने में रिवीजन पे फोकस करो, तो फिर बहुत बढ़िया जो है एग्जाम की तैयारी होती है। ठीक है भाई, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा कि भाई एग्जाम जो है वो आपका कब होगा, कब तक हो सकता है, कितना टाइम है आपके पास। क्योंकि जब हमें ये पता चल जाता है ना कि हमारे पास इतना समय बचा हुआ है, इतना समय हमें मिल जाएगा एग्जाम की तैयारी करने के लिए,
तो फिर जो है आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। जब तक हमें पता नहीं होता ना कि एग्जाम डेट क्या है, तब तक हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते। तो अब आपके पास एग्जाम डेट भी है, आपके पास सब कुछ है, तो भाई अब अपनी बुक उठा लीजिए, जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, पहले सिलेबस को गो थ्रू करो, प्रीवियस ईयर को गो थ्रू कर कीजिए और जो है चीजों को करना शुरू कर दीजिए। इससे बेस्ट कुछ नहीं है, ठीक है। तो आइए, अब आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।